अगले कॉलर हैं, दिल्ली से हैं दयावती जी। स्वागत है आपका मैम। नमस्कार मैम, जी नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। सैलजा बेटी, आप कैसी हैं? जी नमस्कार हम भी अच्छे हैं। भाई साहब। स्वागत है आपका। जय हिंद दयावती बहन का। देखिए ये शैलजा तो आपसे मुलाकात भी करी आई। हाँ भाई साहब, मेरी इच्छा थी आप भी आ जाते, पर एकदम प्रोग्राम हो गया। 2 घंटे पहले फोन आया तो मैंने इजाजत दे दी, मैं कहा चलो आ जाओ। पर मतलब मेरी अंदर की इच्छा ना भरी नहीं, मुझे खाना भी बनाना था इनके लिए, खिलाना था, वो खाई पूरी हो ही नहीं सारी अच्छे से। अच्छा और सवाल हाँ, बताइए। और सवाल तो भाई साहब, आज आजकल तो सवाल मतलब मैं इतनी खुश हूं ना, सवाल सब मैं बता देती हूँ। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ बस, 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले, कुछ नहीं साथ जाना, एक नेकी की सिवा, कर भला होगा भला, गांठ ये बांध ले। बस भाई साहब, मेरी सब एक इच्छा रहेगी आपसे मिलने की, और मैं एक दिन अच्छा सा खाना बनाऊंगी, आपसे पहले इजाजत मांगूंगी, और जब मैं पूरी टीम को बुलाऊंगी अपने घर एक बार, और मेरी ये इच्छा है, ठीक है ठीक इतना है चाहती हूँ बस। और ठीक आपको है। खूब खूब बधाई भाई साहब, खूब दुआएं हैं, खूब खुश रहो अच्छे से, और सहजा बेटी भी अच्छी रहे, पूरे ये भैया सब के लिए दुआ मांग रही हूँ, सब खुश रहे अच्छे से, पूरी टीम। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू भाई साहब। शैलजा तो आपकी बड़ी तारीफ कर रही है। तो इसने बताया कि आपने कुछ पैसे भी दिए हैं इसको। अब मैं इससे कह रहा हूँ आधे मुझे दे दे, मैं तबर्रुक की तरह रखूँगा, उसे खर्च नहीं करूँगा कभी। ये तो खर्च कर देगी लेकिन मैं वो पैसे कभी भी ज़िंदगी में खर्च नहीं करता। मुझे तो कोई पैसे नहीं देता था और एक बार मेरी एक बहन ने पैसे दिए तो मैंने कई साल, 10 साल 15 साल वो खर्च ही नहीं किए। फिर एक बार ऐसा हो गया कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, बच्चा बीमार पड़ गया तो उस वक्त वो पैसे बहुत काम आए और बहुत याद आ गई वो बात। और देखिए आपसे मुलाकात ज़रूर होगी कभी ना कभी। और ये इतनी तारीफ़ कर रही है आपसे ज़्यादा आपके खाविंद की, आपके पति की, और उससे भी ज़्यादा वो जो छोटा बच्चा है उसकी तारीफ़ कर रही है। और बहुत इत्मीनान इन लोगों को हुआ आपसे मिलकर। और मुझे तो इत्मीनान था कि आप के जो बिहेवियर से ये लोग बहुत इम्प्रेस होंगे। मैंने इनको कहा था कि वो बहुत अच्छी लेडी हैं, शायद उस इलाके में एक से ज़्यादा इतने अच्छे लोग ना हो। जी हकीम साहब, हमने तो वो डायरी भी दयावती जी से मांगी थी, जो उन्होंने आपके एक एक नुस्खे उन्होंने लिखे हुए हैं। यकीनन हकीम साहब, एक नहीं हज़ारों नुस्खे उन्होंने लिखे हुए हैं, और एक प्रॉपर डायरी उन्होंने बना रखी है। हाँ देखिए यही तो निशानी है, जी ये सबूत है इस बात का कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। तो वो बिल्कुल जो कहती हैं वो करती हैं। संसार में वही लोग सच्चे हैं जिनके अंदर और बाहर से एक से हैं। हम अहले दिल का जाहिर व बातिन जुदा नहीं, दिल भी झुका दिया है जहाँ सर को खम किया। तो जो लोग अंदर बाहर से एक से हैं वो बहुत प्यारे लोग हैं, भगवान को पसंद हैं। और जो भगवान को पसंद है उनको इंसान पसंद करे या न करे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।